Assalamualaikum स्टूडेंट। सो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन 13.13 से 19 तक सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.13। अब 13 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वह कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है? तो कैपेसिटेंस जो होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अबिलिटी होती है, अबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो अबिलिटी होती है दैट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला हमारा इसके पास हमारा होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्यू इज अ चार्ज, सी इज अ कैपेसिटेंस, वी इज अ वोल्टेज। तो V इधर आ जाएगा तो बन जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ये हमारा फार्मूला होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, ठीक हो गया। और जो इसका यूनिट होता है हमारे पास वो फैरेड होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड यूनिट। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। फैरेड वाला साइंटिस्ट, इसने अपने नाम पे इसका रखा। तो फैरेड, वन फैरेड तब होगा जब वन कूलम का चार्ज स्टोर करेंगे विद हेल्प ऑफ वन वोल्टेज के डिफरेंस के साथ। मतलब जब बैटरी से वन वोल्ट प्रोवाइड किया जा रहा होगा और कैपेसिटर के अंदर वन कूलम का चार्ज स्टोर होगा तब वन फैरेड होगा, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13.14 में वो पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारा ये आर्टिकल है 13.7, जिसमें कैपेसिटर क्या होता है उसकी कॉम्बिनेशन दो तरह की होती है, हमने पढ़ी है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट हमारे पास आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो आती है, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 और ये 1 ओवर CN, ठीक है। तो ये इनफैक्ट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही आता है। और ये एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आर्टिकल 17.13.7 है, तो ये आप उसमें उससे देख सकते हैं, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है जी, डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की टू टाइप्स हमारे पास होती है। एक हमारे पास होता है फिक्स कैपेसिटर, और दूसरा हमारे पास होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक, दो तरह के होते हैं। अब जो फिक्स कैपेसिटर होता है, इसमें एक हमारे पास होता है पेपर कैपेसिटर और दूसरा हमारे पास होता है मीका कैपेसिटर, ठीक है। तो फिक्स कैपेसिटर में इसमें जिसकी कैपेसिटर फिक्स होती है और वेरिएबल इसमें जिसकी कैपेसिटर वेरिएबल होती है, ठीक हो गया। और चले नेक्स्ट हमारे पास है 13.16। 13.16 में वो कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कैपेसिटर। तो डिफरेंस में हमने बताना है, एक हमारे पास है वेरिएबल और दूसरा हमारे पास है फिक्स्ड कैपेसिटर। तो दोनों में हमने डिफरेंस बताना है। जो वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, इट्स कैपेसिटेंस कैन बी चेंज बाय मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स एरिया। जो एरिया प्लेट्स का होता है उनको हम अरेंजमेंट करके किसी भी तरीके से जो हम जो बनाया होता है उसका मेथड इस तरह होता है कि जो प्लेट्स का एरिया होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करके हम कैपेसिटेंस भी चेंज कर सकते हैं। जबकि जो फ्यूज कैपेसिटर होता है, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, इट्स कैपेसिटेंस
cannot be changed. Cannot be changed. Change हम नहीं कर सकते इसकी capacitors. ठीक है. अब इसकी जो इसमें जो dielectric यूज होता है वो पेपर हो सकता है, मीका हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है. ठीक है, तो ये इसमें इसके डायलैक्टिक यूज हो सकते हैं. ठीक हो गया. तो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो बुक के अंदर लिखी हुई है ऑलरेडी. नेक्स्ट 13.17 में पूछ रहा है यूजेज ऑफ कैपेसिटर. यूजेज ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं. कहाँ का यूज होता है? ये फैंस में यूज होते हैं, ये मोबाइल्स में यूज होते हैं. ठीक है, ये मोटर में यूज, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं, सीपीयू में यानी कंप्यूटर में यूज होते हैं, लैपटॉप में यूज होते हैं, मेटल डिटेक्टर में यूज होते हैं. ठीक है, मेटल डिटेक्टर में यूज होते हैं ये, और इसके डिफरेंट यूज होते हैं हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 13.18. अब 13.18 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक के कोई एक एप्लीकेशन बताए. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन, हम दो तरह के एप्लीकेशन अपने आर्टिकल में पढ़ चुके हैं. सेकंड लास्ट आर्टिकल है, एक हमने पढ़ा था एयर क्लीनर और दूसरी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी पेंट वाली, वो जो जिसपे हम गाड़ी को पेंट करते हैं. तो यार अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें से कोई सी एक जो है वो आप जो है वो इस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक हो गया. चले नेक्स्ट हमारे पास है 13.19 हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैजर्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के नुकसान क्या है. तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल है. तो लास्ट आर्टिकल में हम हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था लाइटनिंग का, हमने डिस्कस किया था, और इसके अलावा फायर एंड एक्सप्लोजन को हमने डिस्कस किया था. तो वो लास्ट आर्टिकल जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं एज इट इज. तो सुन, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. इससे रिलेवेंट अगर क्वेश्चन हो आपको तो वो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.